effigies of the Pancha Pandavas. मार्च अप्रैल में पैंगुनी त्योहार के दौरान पूर्वी गोपुरम के सामने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाहर भारतीय महाकाव्य महाभारत से पांच भाई पंच पांडवों के पुतले खड़े किए जाते हैं। युधिष्ठिर, जिसे धर्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो बैठी हुई मुद्रा में है, उनके पुतले के अलावा अन्य सभी भाइयों को हथियार लिए खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। इन पुतलों को मूल रूप से लकड़ी और बांस का इस्तेमाल करके बनाया गया था और चमकीले लाल पोशाक पहनाए गए थे। प्राकृतिक रंगों से सजे अपनी जटिल नक्काशी के कारण ये मूर्तियां अलग दिखती हैं। तोटतिल परिवार के पारंपरिक कारीगरों ने ही इन पुतलों को बनाने का काम किया था। आज पुराने लकड़ी के पुतलों की जगह बहुत हल्के फाइबर के बने पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी भी अपनी मूल रचना को बनाए रखते हैं। केरल में त्योहारों के दौरान कुछ मंदिरों में खास तौर पर आयोजित होने वाले एक युद्ध नृत्य वेलकली का आयोजन खास तौर पर यहाँ पैंगुनी त्योहार के दौरान किया जाता है। नर्तक नर्तकियां रंगीन ढाल और लंबी छड़ी लिए पारंपरिक सैनिकों के जैसी पोशाक पहने रहती हैं। वे बड़े जोश के साथ युद्ध जैसी संगीत के साथ एक कतार में युद्ध जैसे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं। नर्तक नर्तकियां पांडव भाइयों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के पुतले के पास पहुंचते ही रुक जाती हैं और पीछे हट जाती हैं।